थी जो 50 से लगभग 50 मरीज आइसोलेटेड रखे हुए हैं। और मुंह पे आपने मास्क सभी ने बांध रखा है, हाथ पे ग्लव्स पहन करके। और उसके दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। साथ ही अगर किसी व्हीकल को हटाना है, किसी व्यक्ति को हटाना है, तो आप डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। जो मास्क मिले थे वो भी अभी हमको मिले हैं, जो वो भी आप लोगों को एक बार बांटना चाहती हूँ। ऐसे ऑलरेडी सबके पास है और फिर भी नहीं है वो लोग आप ले लें। खान विश्राम, कोरोना वायरस है जो अभी आजकल जिसका प्रकोप है और जिसको दे दियो। नहीं अभी तो शुरू किया, आप करो ना। व्यक्ति से टच हो गया, व्यक्ति को हम छुएंगे करेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे भी आप गर्मियों में पहनते हो ना ग्लव्स। सब रामपाल जी आप उधर दे दो। और कोशिश ये करना है कि जहाँ भीड़ है उसको हटा देना है, इकट्ठे होने ही नहीं देना है। अपने ट्रैफिक में अपने, अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक रेगुलेट करने का ही काम करना है, चालान वालान मत बनाना। अभी जो कोरोना वायरस जो महामारी के रूप में सभी जगह फैला हुआ है, इसी को देखते हुए कल एसपी साहब कार्यालय से हम लोगों को मास्क वितरित किए गए। वो सभी मास्क मैंने अभी ट्रैफिक कर्मियों को वितरित किए गए हैं। और सभी ट्रैफिक कर्मियों को हिदायत दी गई है कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं होने दें, कहीं यातायात जाम होता है तो उसको तुरंत खुलवाएं। और कोशिश करें कि किसी व्यक्ति को टच ना करें, मुंह पे मास्क रखें और हाथ में भी अपने ग्लव्स पहन के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क किसी के ना आए और अपनी ड्यूटी है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हुए इस बीमारी से लड़ने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक करें। जो कोई व्यक्ति मिलता है आपके पॉइंट पर आता है, उनको भी इसके प्रति समझाइश करें कि आप लोग घरों में रहें, बच्चों को घरों में रखें, ताकि ये जो कोरोना वायरस है वो जल्दी से जल्दी किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। और यही बचाव है जो हमारा, हम सुरक्षित उपाय रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे बचाव हैं। और हम लोगों को तो चूंकि ड्यूटी निरंतर करनी है, लोगों को जागरूक बनाए रखना है, लेकिन मैं लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बच्चों को पृथक रखें, परिवार को पृथक रखें। और आपके बहुत अति आवश्यक कार्य हैं तो ही आप बाज़ार में आइए, वरना आप मत आइए। आप लोग अपने घर में रह करके सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।